रेट ऑफ रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने रिएक्शन काइनेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने ये कहा था कि रिएक्शन काइनेटिक्स इज कंसर्न्ड विद हाउ फास्ट या हाउ स्लो अ रिएक्शन प्रोसीड्स, ठीक है, यानी कितना कोई रिएक्शन की जो स्पीड है वो किस तरीके से वेरी करती है, मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करती है, ये हम लोग रिएक्शन काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। और जो इसमें सबसे मेजर जो वेरिएबल होता है दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस रेट पे हो रहा है, यानी टेक्निकली इट इज़ द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन से पहले मैं आपको एक थोड़ा और कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपको क्लियर कर दूँ। आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इससे ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ा होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम जो था उसमें आपने दो किस्म के रिएक्शंस देखे थे, वन वर रिवर्सिबल रिएक्शंस और दूसरे थे इररिवर्सिबल रिएक्शंस, इररिवर्सिबल रिएक्शंस। आई होप ये बहुत सिंपल सी वैसे तो बातें हैं, आपको पता होंगी। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें अगर कोई रिएक्टेंट है ए, वो अगर बी के अंदर चेंज हो रहा है तो एट द सेम टाइम कुछ अमाउंट ऑफ बी वापस ए के अंदर भी चेंज हो रही होती है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम ओवरऑल जो चैप्टर था वो इसी तरह के रिएक्शंस के ऊपर था, यानी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, एंड अ टाइम कम्स जब दोनों की जो कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती हैं, कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं ये वो कन्वेंशनल रिएक्शंस हैं जो इससे पहले आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कोई चीज ए है वो बी के अंदर चेंज हो रही है, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल यूनि डायरेक्शनल, इसमें रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है बट प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकता। रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर हम मोस्टली ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं और ग्राफिकली बहुत बेहतरीन तरीके से आप रिएक्शन की स्पीड के बारे में पता चला सकते हो। और ये जो ग्राफ्स आप बनाते हैं इसके अंदर ये किस चीज़ के होते हैं, ऑन द एक्स एक्सिस यू पुट टाइम, ठीक है, लेट्स से टाइम आप यहाँ पे ले रहे हो इन सेकेंड्स, एंड ऑन द वाई एक्सिस यू पुट द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आप इससे पहले सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, नॉर्मली वी मेजर कंसंट्रेशन इन ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब या ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, या यू कैन ऑल्सो मेजर इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, द नंबर ऑफ मोल्स इन अ डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सो कंसंट्रेशन आप इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में मैं हमेशा ग्राम मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब की यूनिट्स की बात करूंगा। यू मस्ट नो कि ये दोनों यूनिट्स के अंदर कंसंट्रेशन मेजर हो जाती है। सो लेट्स से अ प्रोडक्ट अ रिएक्टेंट ए इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट बी, ठीक है, इससे पहले आप इस तरह के ग्राफ्स पढ़ चुके हो। अ रिएक्टेंट ए इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट बी, सो रिएक्टेंट ए जो होगा वो शुरू में बहुत ज्यादा होगा, एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, यानी जब रिएक्शन शुरू होगा उस वक्त रिएक्टेंट ए जो है वो सारा का सारा वही होगा, यानी बी होगा ही नहीं। सो ए की कंसंट्रेशन हम कर लेते हैं 10 और बी की कंसंट्रेशन हम कर लेते हैं 0, जो भी यूनिट्स हैं साथ, लेट्स फॉरगेट दैट। एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, आफ्टर 5 सेकेंड्स जो है रिएक्टेंट ए जो है क्या अब 10 ही रहेगा, रिएक्टेंट कम हो रहा होता है या ज्यादा हो रहा होता है, डेफिनेटली कम हो रहा होता है। रिएक्टेंट जो है लेट्स से अब रह चुका होगा 3 और प्रोडक्ट जो है वो कितना हो चुका होगा 7 लेट से, ठीक है। और एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स लेट्स अज्यूम कि जो रिएक्टेंट ए है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा एंड जो प्रोडक्ट बी है दैट वुड चेंज, जो जितना भी रिएक्टेंट था वो सारा का सारा प्रोडक्ट बी में चेंज हो गया। नाउ यू हैव दीज कोऑर्डिनेट्स, एग्रीड, टाइम 0 रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन 10, टाइम 5 रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन 3, टाइम 8 रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन 0। सो लेट प्लॉट दीज 3 पॉइंट्स, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, सो एट टाइम 0 द रिएक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 10, सो 0, 10 दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट पॉइंट, आई एम गोइंग टू मार्क देम इन येलो, लेट्स से दिस इज 5 एंड दिस इज 10। एट टाइम इज इक्वल, सिमिलरली यहाँ पे टाइम को भी हम मार्क कर देते हैं, यहाँ पे टाइम 5 सेकेंड्स है एंड यहाँ पे 10 सेकेंड्स है। एट टाइम इक्वल्स टू 5 रिएक्टेंट ए इज 3, सो एट टाइम 5 रिएक्टेंट ए इज समवेयर लाइक हियर 5 से कम, और एट टाइम 8 रिएक्टेंट ए इज 0, सो समवेयर ओवर हियर जब टाइम 8 होगा तो रिएक्टेंट ए 0 होगा। सो लेट्स ज्वाइन दीज 3 लाइन्स,
आई एम गोइंग टू जॉइन दम इन रेड, आपका जो रिएक्टेंट ए है वो इस तरीके से नीचे आ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी। बी के भी इसी तरीके से ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं। एट टाइम जीरो उसकी जो कंसेंट्रेशन है बी की वो जीरो है, यानी दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एट टाइम फाइव द कंसेंट्रेशन इज सेवन, सो एट टाइम फाइव द कंसेंट्रेशन इज समवेयर ओवर हियर। एंड एट टाइम एट इट इज टेन, सो एट टाइम एट इट चेंजेस इनटू टेन। सो आई विल जॉइन दिस लाइन विद ग्रीन। ऑल राइट, दिस इज अ टिपिकल केस। जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो रेट ऑफ रिएक्शन को। अब रेट ऑफ रिएक्शन टेक्निकली है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है कि आपका जो अभी जो रेड वाली लाइन थी किस चीज की थी, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? ये रिएक्टेंट्स की थी। और जो ग्रीन वाली लाइन है ये किस चीज की है? प्रोडक्ट्स की। अब देखो प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं और रिएक्टेंट्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। और ये ग्राफ किस चीज का बना हुआ है? कंसेंट्रेशन का। डू नॉट फॉरगेट दीज थिंग्स, दीज आर द वेरी बेसिक्स ऑफ ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ हाउ डू यू एक्चुअली डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस ग्राफ को अगर आप देख के रेट ऑफ रिएक्शन बताना हो, हाउ यू कैन डू इट? सो द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स द चेंज, या डेल्टा में लिख रहा हूं, डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज, द चेंज इन द कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 0 seconds, दिस इज 5 seconds, 2 to 3 seconds के दरमियान वाला टाइम कौन सा बन रहा है? दिस इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5, दिस इज 2 seconds एंड दिस इज 3 seconds। 2 to 3 seconds के अंदर एट 2 seconds प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की कितनी कंसेंट्रेशन है आप इस यूं करके लाइन को आगे एक्सटेंड करके पता चला सकते हो, ऑलमोस्ट दिस मच कंसेंट्रेशन, 5 से थोड़ी सी कम है, ठीक है। एंड एट 3 seconds व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स? यू कैन चेक द सिमिलर वे, जैसे आप ग्राफ एक देखते हो यहां पे ऑलमोस्ट 6 के करीब है। नाउ इन बिटवीन 2 and 3 seconds हाउ मच टाइम हैज बीन टेकन? ओनली 1 second। आई एम सेइंग इन बिटवीन 2 and 3 seconds कितना टाइम है? 1 second है। सो इन प्लेस ऑफ टाइम लेट्स पुट 1 second। एंड व्हाट इज द चेंज इन कंसेंट्रेशन इन बिटवीन 2 and 3? द चेंज इन कंसेंट्रेशन इज दिस वैल्यू ऑफ कंसेंट्रेशन, लेट मी मार्क इट इन ब्लू सो दैट यू कैन सी प्रॉपरली, दिस कंसेंट्रेशन माइनस दिस कंसेंट्रेशन। वट एवर द आंसर इज दैट वुड समवेयर बी लाइक, जो मुझे देख के अंदाजा हो रहा है इट इज 1.5 के करीब। सो 1.5 is the change in concentration and time is 1, you get the rate of reaction as 1.5. So the rate of reaction between 2 and 3 seconds is 1.5 for this part. Now will it be the same if you equate it over here? No, it won't. Yani agar main 9 aur 10 second ke darmiyan yahi kaam karun, this is 9 seconds and this is 10 seconds, तो 9 सेकेंड्स के ऊपर इट इज समथिंग लाइक दिस एंड 10 सेकेंड्स के ऊपर इट इज समथिंग लाइक दिस। और अगर आप देखो कंसेंट्रेशन जो हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम, तो चेंज इन कंसेंट्रेशन आप अगर एक ही सेकेंड लो, द चेंज इन कंसेंट्रेशन इज दिस टाइम लाइक 0.1। सो 0.1 आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा फॉर अ सिंगल सेकेंड। और इन द बिगेनिंग अगर सबसे पहले सेकेंड में आप देखो तो चेंज इन कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, पहले सेकेंड के अंदर दिस इज द चेंज इन कंसेंट्रेशन, ये सबसे ज्यादा। सो दिस एक्चुअली मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली रिलेटेड विद टाइम, यानी जितना टाइम गुजरता जाता है उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाता है, ठीक है। आई हैव रीच्ड द कंक्लूजन कि जो रेट ऑफ रिएक्शन, लेट्स रिप्रेजेंटेड विद आर, दिस इज इनवर्सली रिलेटेड विद टाइम। जो जो टाइम गुजरता जाता है रिएक्शन उतना ही स्लो होता जाता है। और रिएक्शन सबसे फास्ट कब होता है? जब टाइम आपका बिल्कुल शुरू होता है, उस वक्त फौरन सारे के सारे जो रिएक्टेंट है ना वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट कम रहता जा रहा है, तो जब कम रिएक्टेंट होगा तो वो कम प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा ना। इसकी अब वजह समझने की कोशिश करो। हमने ये कहा कि शुरू में जो रिएक्टेंट था वो 10 था, तो 10 का 10 जो है उसकी कोशिश है कि वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो, तो ये जल्दी जल्दी होने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ये रह ही 2 या 3 जाएगा रिएक्टेंट ए,
अब भी क्या ये उसी रेट के ऊपर कन्वर्ट हो रहा होगा? नो, इट वॉन्ट. सो बेसिकली द रेट ऑफ रिएक्शन चूंकि डिपेंड करता है द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, तो आप कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ साथ हमेशा कम होगा, क्योंकि रेट जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा टाइम के साथ साथ कम हो रहा होता है. इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका रिएक्टेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाए विद टाइम. दिस वॉज अबाउट सिंपल ग्राफिकल एनालिसिस. एज द चैप्टर प्रोसीड्स हम इसके बारे में मजीद डिटेल में बात करते रहेंगे. रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके यूनिट्स की अगर हम बात करें, ऊपर मैंने कंसेंट्रेशन ली थी और कंसेंट्रेशन हम मोल्स पर डीएम क्यूब में मेजर करते हैं, ठीक है, और उसको मैंने सेकंड से डिवाइड किया था यानी टाइम से. सो ओवरऑल द कंसेंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन के जो यूनिट्स हैं दे बिकम मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ठीक है. दीज आर द टिपिकल यूनिट्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. लेट समराइज टुडेज लेक्चर. इट वॉज अगेन अ वेरी बेसिक वन जिसके अंदर आपको मैंने ये बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज होती है. आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, जितना रिएक्शन जल्दी हो रहा है या स्लो हो रहा है. हमने ये भी देखा कि ग्राफिकली रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से पता चलाया जा सकता है. ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर हम लोग एक तरह से स्लोप ले रहे होते हैं, किस चीज की, कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की. फिर आपने एक और चीज पता की कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आर है इट इज ऑलवेज इनवर्सली रिलेटेड विद द टाइम, ठीक है. जो जो टाइम बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है. एंड फाइनली एक और जो मेजर आपने चीज इस लेक्चर में सीखी वो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नेवर इक्वल टू अ कांस्टेंट. अगर आप ये समझ रहे हो कि रेट ऑफ रिएक्शन फिक्स हो जाता है तो ऐसा कभी भी नहीं होता. रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा होता. बट देयर इज अ केस जब रेट ऑफ रिएक्शन फिक्स हो जाता है. ये तब होता है जब आपका मजीद कोई चेंज आ ही नहीं रहा होता, यानी ये लाइन बिल्कुल यूं स्ट्रेट हो जाती है. और ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ये बात पढ़ी थी कि जब ये लाइन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, यानी जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हो आप, यानी देयर इज नो फर्दर चेंज इन कंसेंट्रेशन, तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन टेक्निकली जीरो हो चुका होता, ठीक है. तो जीरो चूंकि बार बार बदल नहीं रहा, तो आप कह सकते हो कि यस द रेट ऑफ रिएक्शन डज बिकम इक्वल टू जीरो व्हेन यू आर एट इक्विलिब्रियम. But in all other cases, in all other times, the rate of reaction is continuously decreasing. ठीक है? As the time increases, the rate of reaction is decreasing. That's it. In the next lecture, इसी topic को हम लोग आगे लेके चलेंगे. हम लोग बात करेंगे एक तो instantaneous rate, किस चीज को बोला जाता है instantaneous, and दूसरा एवरेज रेट के बारे में बात करेंगे. एंड सेकेंडली हम लोग एक रेट कांस्टेंट टर्म डिफाइन करते हैं, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट. हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये टर्म क्या है और ये किस तरीके से इक्वेट होती है, और इन दोनों को भी हम लोग ग्राफिकली एनालाइज करके देखेंगे.